बताइए, शारीरिक शोषण करना, उसके बाद रास्ता में रोक के धमकी देना कि तुम मेरे साथ शादी करो, नहीं तुम्हारा धर्मांतर करा देंगे। गाड़ी पेट्रोलिंग गए फिर धमकी दिया, 8 तारीख को फिर धमकी दे दिया इसको। करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीब महिला का शोषण करने वाले को हम गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीब महिला का शोषण करने वाले को हम गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सोई पुलिस प्रशासन को जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। सोई हुई पुलिस प्रशासन को जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। सोई हुई पुलिस प्रशासन को जागना होगा। आप लोग महिला से बात कर लीजिए, ये तो हद करने वाली बात है। एक गरीब महिला का शोषण कोई कर रहा है, उसके साथ गलत करने का प्रयास करके उसका वीडियो वायरल कर रहा है, और ये महिला शिकायत कर रही है उलीडी थाना में, एसएसपी कार्यालय में। 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति इतना दबंग है कि पुलिस के घर एक बार गई, जैसा पुलिस ने बताया। रहते हैं, ठीक है, 13 नंबर में रहने वाला रहमत, मेरा साथ में कोई गलत करे और वीडियो बना के छोड़ रहे हैं, बार बार धमकी देते कि तुमको शादी करके ले जाएंगे, नहीं तो कहीं से उठा के ले जाएंगे। क्या साथ में उसके साथ में काम करते थे क्या? उसके साथ में मिस्त्री का काम करते, हम रेजा का काम करते हैं, ठीक है। इसी के बीच में मेरा वीडियो भी बना लिया है और अभी वायरल भी कर रहे हैं। क्या क्या वीडियो बनाया? क्या वीडियो बनाए वो तो हम नहीं देखे हैं, मगर बगल अगल बगल देखता है तो बता रहे हैं हमको, ऐसा है वीडियो, ऐसा है वीडियो, मगर मेरा सामने खुल के अभी तक वीडियो आया नहीं है। तो क्या बोलता क्या अभी हमको बोलता है कि शादी करने के ले जाएंगे। पहले तो शादी शुदा है? हाँ, पहले तो हम शादी शुदा है, 2 बच्चे का माँ है। कब से काम कर रहे थे साथ में आप? ज्यादा दिन नहीं काम किए हैं, कुछ 2-4 दिन काम किए हैं बस। कहाँ रहते हैं आप? रिमना वस्ती। थाना में कंप्लेन किए थे? हाँ, थाना में भी किया था, वहाँ भी किया था। थाना वाला क्या बोलते हैं? थाना वाला तो एक बार फोन करके 300 नंबर मांगा, उसके बाद फोन नहीं किया, बोलता फोन किया था तो एक ही तो मोबाइल हम लोगों के पास है, ज्यादा मोबाइल तो है नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हमको नहीं दिलाइए, इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। क्या धमकी भी देता है? हाँ, धमकी भी देता है, मेरा 2 बच्चा भी है, वो लोग को भी धमकी देता है। क्या है और अभी तक थाना का किस तरह का रोल है? देखिए, जब मैं कांवर यात्रा में था तब ममता ने मुझसे संपर्क किया था। ममता ने बताया कि ये दिहाड़ी मजदूरी में काम करती है और इसके साथ काम करने वाला राजमिस्त्री रहमत इसके साथ गलत करने का प्रयास किया, काम के दबाव में, पैसे के पेमेंट नहीं देने के दबाव में इसको झांसे में लेके गलत करने का प्रयास किया और उसका एक वीडियो बना लिया। उसके बाद रहमत ने इसे वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और कहा कि आपको मेरे साथ शादी करना होगा। इन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे, हम कैसे शादी करेंगे आपके साथ? तो कहा आपको धर्मांतर कराना होगा और मेरे साथ विवाह करना होगा। मैं कांवर यात्रा में था, मैंने दूरभाष में कहा कि आप थाना में लिखे शिकायत दीजिए। मैंने सोचा कि इतना ज्वलंत मामला है, ये सीधे मामला किसी के जीवन से जुड़ा हुआ, निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन 21 तारीख को दिया हुआ दरखास्त में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला रोते बिलखते हमारे पास पार्टी के कार्यालय में आई, भारतीय जनता पार्टी के उलीडी मंडल कार्यालय में आई और फिर बोलने लगी कि पुलिस कार्रवाई नहीं की। आज हम लोग पुलिस के पास आए हैं मांग करने के लिए और मैं आपके तरफ से बताना चाहता हूं कि मैं आज थाने में जानकारी दिया हूं, नहीं तो कल हम लोग एसएसपी साहब से मिलेंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये महिला भी सड़क में उतरने का काम करेगी।